चलो चलो हम जा रहे हैं नीचे चीज लेने, बच्चों को चीज दिलाना है। चलो आ जाओ नीचे, जल्दी से उतरो। देखिए सारे बच्चे तैयार हो गए, लवीजा रह गई है और सुरेन जो है अपने पापा के साथ नीचे उतर चुकी है। देखो उतर रहे, सब नीचे अभी मैं गिर जाती एक स्टेप ज़्यादा हो जाता मेरा, मैं गिर जाती उनको यही बोला। अभी लवीजा आ जाए ना, हाय करो, हाय हाय करो। अभी लवीजा आ जाए, लवीजा का वेट कर रहे हैं। अरे मेरे हस्बैंड वहाँ पहले जाके खड़े हो गए हैं, दिख रहा है आपको करीब से, देखो वो रेन को लेके खड़े हुए। अरे तो लेके आ जा घर आने जाने वाले के ऊपर खुश हो रहा है बाइकों पे। जल्दी अलीजा कहाँ, लवीजा कहाँ रह गई? लवीजा को तो तैयार होने में ही बड़ा टाइम लग रहा है, लवीजा को तो तैयार होने में टाइम लग रहा है। हम लोग ऐसे आ गए, वो तैयार अब आई है, इतना टाइम लगता है हमें। हम तो जल्दी से आ गए और आप वहीं अटकी हुई हो। मैं तो कपड़े चेंज कर रही थी, कपड़े चेंज कर रही थी। हम के शादी में जा रहे थे, कपड़े चेंज कर रही थी। चलो 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 चलिए, आए हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो आ गए ये देखे कपड़े, मम्मा ये ला, ये ला, ये ला मम्मा के। मम्मा आगे तो करो, देख नहीं रहे अली अभी यहाँ पे अनु, उस तरफ चले, उस तरफ वो ले लूँ। हाँ आलू की चाट बनाने के लिए ले ले, फिर आलू भी ले लाऊंगी, आलू शायद नहीं है। मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है आलू की चाट बनाने की, जो पापड़ों के साथ खाई जाती है, उसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो बनाने का, तो हम लेने जा रहे हैं आलू पापड़ और बाकी चीज़ें जो इसके अंदर डलती हैं, टमाटर वगैरह। ये देखें हम आ गए पापड़ों की शॉप पे, पहले हम ले रहे हैं पापड़। इसके लिए जो पापड़ चाहिए होते हैं वो दल की पापड़ खिलाते हैं, लंबे वाले पापड़ नहीं होते वो हम ले रहे हैं इसके लिए। तो हम पूछ रहे हैं कि कैसे दे रहे हैं। पापड़ ले लिए कितने के लिए? 50 के पापड़। हम आलू और पापड़ की चाट बनाएंगे, धनिया टमाटर आलू। नहीं हाथ पकड़ा, ये हमारा छोटा सा सस्ता सा बता। प्याज नहीं ना, प्याज तो होती है। ₹30 किलो, 1 किलो दे दे, 1 किलो दे दो, 30 रुपये किलो। 50 के लगा के 2 किलो दे दे, दे देंगे 50 के लगा के 2 किलो दे। अबो 50 रुपये, 50 रुपये ले लो आप। क्या कितने के लिए आलू? कितने का है? कितने का दे रहे? 10 रुपये। इससे लेती नानू? नहीं नहीं, इससे थोड़ी, ऐसे लोगों से लेती नहीं है। नहीं नहीं नानू, क्या क्या आंटी नानू बड़ी। हाँ कोई बात नहीं, चलो 10 रुपये दे दो। चलो आ जाओ, बस टमाटर मुझे दो। टमाटर और नहीं बना मेरे मरी की मटर।
लाल कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ही लाल ही नहीं है, पीले पीले हो रहे हैं। आइए मौके से फायदा उठाइए, जबरदस्त रेट लगी है। दही 30 रुपये पाओ, 120 रुपये किलो। कोई 40 रुपये नहीं है, सिर्फ 30 रुपये पाओ दही 120 रुपये किलो। दूध 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। आइए मौके से फायदा उठाइए। ये हमारे क्या मिर्चे हैं, मिर्ची 80 रुपये किलो, गाड़े का खाली दूध 80 रुपये किलो। मूली भी है। अब ये चलो, सोच रहे कि क्या रह गया है। दूध की कीमत में हैरत अंगेज कमी। जी हाँ, हैरत अंगेज कमी। दूध सिर्फ 80 रुपये किलो, बाड़े का 80 रुपये किलो। सामान जी इतने प्यारे प्यारे बने ना। ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हर पीस मतलब वो और साबुन वगैरह। चिकन देखें, चिकन ये आगे 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 छोड़ के चले गए। हाल अंकल पता नहीं कहाँ चले गए, वही छोड़ कर ही चले गए। गली साहब वही गए। फाल अंकल कहाँ है, ढूंढो फाल अंकल को, ढूंढो। कहाँ है, खड़े में ही नहीं है कहीं पे भी। आप देख सकते हैं कहाँ पर है वो रहे। कहाँ चले गए थे आप? जूस दे रहे हैं, जूस ही ले रहे हैं। हाँ, ले दे। आपने कहा लिया है, कहा लिया है, ये लिया है, शाबाश वाह। आपने क्या लिया है? और मेरा भी आ गया जूस। मम्मी आपने क्या लिया है? ये लिया है आपने, वाह वाह वाह। तो हम निकल चुके हैं, चल रहे हैं। ये हम अब लेस वाले के पोर्शन में आ गए हैं, जहाँ लेस वगैरह थोड़े कपड़े वगैरह मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, छोटा सा बाज़ार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी मार्केट है। तो सब अपने चीये पे यानी कि नीचे ही बैठे हुए हैं, कपड़े वगैरह बिछा के। और देखें ये आंटी कितनी सारी लेस लेके जा रही हैं, जिसका कोई कारोबार हो या कोई कपड़े वपड़े सिलाई करता हो तो वो भी यहाँ से ले जाता है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं देते ये लोग, और ना ही ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती, नॉर्मल रेंज पे दे देते हैं। ये देखें, ये मैंने हुरैन के कपड़ों में लगाने के लिए लेस ली है, ये जो ब्लैक कलर की। ये भाई जो है बना काट रहे हैं, हुरैन का मैंने ब्लैक कलर का सूट लिया है, उस पर लगाऊँगी मैं। और उस पर ही लगा यानी फ्रॉक बनाऊँगी या फिर शर्ट वगैरह बनाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सिर्फ मैंने अभी ऐसी लेस ले ली थी, और ब्लैक कपड़ा लेना है मुझे अभी आगे से, वो भी मैं ले लूँगी। तो उसमें लगाने के लिए मैंने ये लेस ले ली थी, ताकि जो भी बनाऊँगी तो देख लीजिएगा आप, आपको भी यानी शेयर करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने लेस का क्या बनाया है।
ये सामने वाली दुकान जो है लेस की, ये भी इन्हीं की है, इन्हीं के भाई बैठते हैं। दुकान क्या है, यही है, ये भी एक छोटा सी जगह है, वहाँ पे बैठते हैं। बराबर में कपड़ों की दुकान है और पीस वगैरह यानी कट पीस वगैरह मिलते हैं। हमें पेपर पुकरम वगैरह की भी ज़रूरत थी तो हमने वो भी ले ली। पेपर पुकरम का बोल दिया कि हमें पेपर पुकरम चाहिए, तो बस हमारी पेपर पुकरम और लास्टिक ये दोनों चीज़ें भी हम ले रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ, आगे हम आपको दिखाएंगे अपनी और मार्केट जो है। क्या खा रही हो? अनु ऑरेंज मांग रही है अपने बाबा से। तो ये देखें, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें काला कपड़ा जो हमें चाहिए बुने के सूट सीने के लिए, जो अभी डिसाइड नहीं है कि हमें फ्रॉक बनानी है, शर्ट बनानी है, कुछ डिसाइड नहीं है। बस मूड हो रहा था कि बाबा का के हुरैन के लिए ब्लैक सूट बनाना है, तो इस वजह से हमने देख लिया कि हम ले लेते हैं कपड़ा, उसके बाद हम बना लेंगे जो हमें बनाना होगा। तो चलें फिर देखते हैं यहाँ पर कि हमें ब्लैक कपड़ा कहाँ मिल रहा है। इन अंकल के पास ब्लैक कपड़ा मिल गया, तो ये दिखा रहे हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसा है, और आप बताइएगा कि हमने सही लिया या महंगा लिया या सस्ता लिया। आप भी बताइएगा कि हमारी मार्केट सस्ती है महंगी है, जो भी है फिर आप भी बताइएगा। ये देखें 120 रुपये गज दे रहे हैं ब्लैक कपड़ा, और हमने 1.5 गज ले लिया है। अब आप बताइएगा इतना ही मिल रहा है या हमने महंगा लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।